ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए अनु कपूर, बैंक कर्मचारी बन अभिनेता से लूटे इतने लाख रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और आपके साथ मैं हूँ प्रथा अरोड़ा। भारतीय फिल्मों के दिग्गज कलाकार अनु कपूर वैसे तो अपनी अदाकारी की वजह से अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन आज उनके लाइमलाइट में आने की वजह थोड़ी निराशाजनक है। बॉलीवुड के गलियारों से खबर आई है कि पॉपुलर अभिनेता अनु कपूर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए हैं। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता अनु कपूर करीब 4,36,000 की ऑनलाइन ठगी के शिकार हो गए हैं। एक प्रमुख प्राइवेट बैंक का अधिकारी बन KYC डिटेल्स को अपडेट करने के बहाने अनु कपूर को ठग लिया गया, लेकिन पुलिस द्वारा समय की गई कार्रवाई की वजह से अभिनेता को उनकी ठगी गई राशि से 3,08,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। ऐसा हम नहीं, पुलिस अधिकारी का कहना है। ओशिवारा पुलिस थाने में एक अधिकारी ने बताया कि अनु कपूर को गुरुवार को बैंक के कर्मचारी के रूप में एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने कहा कि अभिनेता को अपने KYC फॉर्म को अपडेट करने की जरूरत है। इसके बाद अभिनेता ने अपनी बैंक डिटेल्स और वन टाइम पासवर्ड यानी OTP उसके साझा किया। उन्होंने आगे कहा, कुछ समय बाद फोन करने वाले ने अनु कपूर के अकाउंट से दो अन्य खातों में दो बार पैसे ट्रांसफर किए। किए गए इन ट्रांसफर में 4,36,000 रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। हालांकि बैंक ने फोन कर तुरंत अभिनेता को इन ट्रांजैक्शंस के बारे में सूचित किया और उन्हें ये भी बताया कि उनके खाते से छेड़छाड़ की गई है। बैंक से फोन आने के तुरंत बाद ही अनु कपूर ने बिना देर किए पुलिस से संपर्क किया और जिन बैंकों में पैसा ट्रांसफर किया गया था उनसे भी संपर्क किया। पुलिस अधिकारी ने कहा, इन दोनों खातों को बैंकों ने फ्रीज कर दिया है और अभिनेता को 3,08,000 रुपए वापस मिलेंगे। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले को पकड़ने का प्रयास जारी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और इसी तरह की ताज़ा खबर जानने के लिए ट्रिगर न्यूज़ को फॉलो करें।